हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर मशरूम की सब्जी। मटर मशरूम की सब्जी बहुत ही हेल्दी और चटपटा बनता है, और खास करके सर्दियों का मटर हो और मशरूम हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आज हम सिंपल तरीका लेके आए हैं मटर मशरूम बनाने का, जो कि आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो आइए हम झटपट बनाते हैं मटर मशरूम। मटर मशरूम की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। देखिए, हम मशरूम को लेके काट लिए दो भागों में इस तरीके से, और हमारा ये मशरूम कट के रेडी है। यहीं पे हम कुछ तड़का लिए हैं, जैसे कि चार पांच हरा मिर्च को काट लिए हैं, दो तेज पत्ता लिए हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा लिए हैं, और हम लिए हैं यहाँ पे 250 ग्राम छीला हुआ मटर, यानी कि हम 1 केजी मटर को छीले हैं। और यहाँ पे हम दो बड़ा प्याज को रफली ही काट लिए हैं, देख सकते हैं आप। और हमें चाहिए यहाँ पे 250 ग्राम टमाटर। टमाटर को भी हम रफली काटे हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में सरसों का तेल या जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हो उसे डालें। जैसे तेल गर्म हो जाएगा, उसमें आधी छोटी चम्मच जीरा और दो तेज पत्ता डाल के अच्छा से भून लेंगे। जैसे थोड़ा सा हमारा जीरा तेज पत्ता भून जाएगा, देखिए वहां पे हम ऐड कर देंगे अपना मिर्च। तड़के में ही मिर्च में ऐड की हूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है मटर मशरूम की सब्जी, और आप एक बार जरूर इस तरीके से बना के देखें। और यहीं पे हम जो प्याज काट के रखे थे रफली ही, उसे डाल लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा गुलाबी होने लगेगा, हम मटर को ऐड कर देंगे। ये हरा मटर है, ऐसे हम डाल के ज़्यादा देर के लिए नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो भी आप इसी तरीके से 2 से 3 मिनट भून लें। बहुत ही टेस्टी बनता है मटर मशरूम की सब्जी। लेकिन दोस्तों, अभी मटर का सीजन चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप फ्रेश मटर ही लें। तो देखिए, अच्छा से हम भून लिए हैं 1 से 2 मिनट तक। अब साथ के साथ हम यहीं पे मशरूम ऐड करेंगे जो काट के रखे हैं। तो ये मटर मशरूम बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों, और यकीन मानिए ये सब्जी जो बनता है ना, वो उंगलियां चाट चाट के खाएंगे आप। बहुत ही जबरदस्त बनता है दोस्तों। तो ये देखिए, हम मशरूम को ऐड करने के बाद में भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। हमारा मशरूम सॉफ्ट हो जाएगा, इसके लिए हम ढक दे रहे हैं, और बढ़िया से उसका जो पानी है वो भी उसमें आ जाएगा, जूस की जैसे। आप देख सकते हैं जो मशरूम है उसका कलर बदल चुका है, और बहुत ही बढ़िया भून चुका है। एक अच्छा सा सोंधापन इसमें खुशबू आने लगा है। तो यहीं पे हम 2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 2 से 3 मिनट इसे खुले में ही हम पका लेंगे, कि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। तो देखिए, हमारा यहाँ पे अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो रहा है। यहीं पे हम अब मसाला ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखा वाला मिर्च। मैं हरा मिर्च भी डाली थी, उसी के अकॉर्डिंग डाली हूँ। आप जितना तीखा पसंद करते हो उतना डालें। 2 चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर यूज किए हैं, और आधी छोटी चम्मच हम किचन किंग या आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे नमक डाल लें, और मसाला को अच्छा से आप चलाते हुए सभी सब्जियों के साथ भून लें। तो आप देख सकते हैं जो सब्जी है कितना अच्छा दिखने लगा, और ये जो सब्जी है बहुत ही कम मसाला का है दोस्तों। तो यकीन मानिए, आप टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी खाएंगे, तो आप अपने घर पे एक बार जरूर बनाएं। और आपका मटर मशरूम की सब्जी कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। तो लीजिए, हम मसालों के साथ पका लिए हैं 3 से 4 मिनट, और यहाँ पे हमारी सब्जी बहुत ही अच्छा भुन चुका है, आपको नजर आ रहा होगा। तो अब यहीं पे हम टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद में अच्छा से हम मिक्स करते हुए इसे और 2 से 3 मिनट भूनेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल हाई है, तो देखिए ढक्कन से हम कवर कर देते हैं, और उसके बाद 2 से 3 मिनट इसे गलने का टाइम देते हैं टमाटर को। तो देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा जो टमाटर है दोस्तों वो गल रहा है, और इसका जो सब्जी बनेगा मैं तो बताई ही, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार बनाएंगे तभी आपको पता लगेगा। तो बस इस बात के जरिए आप चेक कर लेते हैं कि हमारा सब्जी जो है कैसा भून रहा है, टमाटर गला है कि नहीं गला है।
तो हम लीड को उठाएंगे और देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्जी में से हल्का हल्का जूसीपन आने लगा है टमाटर की वजह से, और टमाटर जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा गल चुका है, और आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत ही बेहतरीन हमारा टमाटर गल चुका है। तो यहीं पे आपको जितना भी इसमें ग्रेवी रखना हो उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कम से कम 2 गिलास पानी डाली हूँ सब्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा 3 पैकेट मशरूम था और 250 ग्राम मटर था और 250 ग्राम प्याज भी था, 250 ग्राम टमाटर था, उसके अकॉर्डिंग डाले हैं। आपको जितना तरी बनाना हो उतना डालें। तो देखिए हम इसे ज़्यादा देर के लिए अब नहीं पकाएंगे, 3 से 4 मिनट के लिए हम और पका लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो मटर मशरूम है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो लीजिए देखिए हमारा जो मटर मशरूम की सब्जी है बहुत ही लजीज बन के रेडी हो गया है। तो ऊपर से हम धनिया पत्ता डाल दिए हैं। तो ये था दोस्तों सिंपल मटर मशरूम बनाने का तरीका। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसके नीचे कमेंट अवश्य करें और इसे घर पे एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि तभी हमें पता लगता है कि आप लोग जो भी रेसिपी हमारा बनाए कैसा बना। तो देखिए हम तो जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ खाने, और आप भी बनाए खाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को, और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में घंटी का जो बटन है उसे जरूर क्लिक करें। हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।